तो बॉटल को स्टरलाइज करने के लिए मैंने एक केटल से गर्म पानी किया और एक बड़े बर्तन में, इस तरह से आप देख सकते हैं, सारी बॉटल्स को डाल दिया है। और क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ पिजन का लिक्विड क्लींजर। इससे आप वेजिटेबल्स, बेबी के जो वेजीज होते हैं, बॉटल्स होते हैं, वो आप क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लिक्विड है, वो काफ़ी लाइट वेटेड है। और दूसरा जो है लिक्विड क्लींजर है, ये है लव लैप का लिक्विड क्लींजर। और ये भी बेबीज के टॉयज़ और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उसको क्लीन कर सकते हैं। बट ये थोड़ा ठीक है, तो ये मुझे उतना पसंद नहीं आया। ये वो काफ़ी अच्छा है और ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने पानी गर्म किया और फिर इसमें लिक्विड क्लींजर डाला और उसको आप ऐसे शेक कर सकते हैं ताकि झाग बन जाए। और इन बॉटल को थोड़ी देर तक हम रखे रहेंगे, थोड़ी देर तक, ताकि ये बॉटल्स क्लीन हो जाएं। और फिर हम इसे साफ़ पानी से, जो जो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाला वाटर है, उसे क्लीन कर लेंगे।